क्या हुआ फरियाब? कोई ख्वाब देख लिया? हाँ शायद, बहुत ही भयानक ख्वाब था। चलो चलो तुम सो जाओ, परेशान नहीं हूं मैं यही हूं तुम्हारे पास। जो कह रहा हूं वो मान लो। अभी तक तुमने मेरे साथ प्यार देखा है, मेरा जुनून नहीं। अभी तुम्हारे घर तक आया हूं, अगली बार तुम्हारे बेडरूम में आकर दिखाऊंगा। तुम एक काम करो कि तुम अरसलान को सब कुछ सच सच बता दो। किसी बाहर वाले से पता चले उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम खुद उसे सब कुछ बता दो। और अगर तुमने नहीं बताया ना, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। तैयबा, अब कब तक अपना मुंह फुला के रखोगी? अरे भाई, तुम्हारे कहने पर मैं गई तो थी, झुक झुक कर सलाम किया, हाथ जोड़कर माफियां भी मांगी। उसके बावजूद भी अगर उसने खुला की धमकी मेरे मुंह पे दे मारी तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अब कुछ आप इरशाद फरमाएंगी या चुप करके खड़ी रहेंगी? आप भाई को उनकी चहेती बीवी की करतूत क्यों नहीं बता देती? और अगर आपको डर लग रहा है कि भाई आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे तो आप वो नर्स की वीडियो दिखा दें जो मैंने बनाई है, और अगर तब भी नहीं यकीन करे ना तो लैब के टेस्ट दिखा दें। ये सब देखकर भाई की आंखें जरूर खुली रह जाएंगी। और अगर ये काम आपसे नहीं हो रहा और आप झिझक रही हैं तो मैं ये काम कर देती हूँ आपके लिए। नहीं, अभी मुनासिब वक्त नहीं है तैयबा। तो कब आएगा मुनासिब वक्त? तब जब सामी भाभी खुला ले लेंगी, या तब जब फरिया भाई को लेकर अमेरिका ले जाएगी? आपने जितना वक्त जाया करना था ना वो आपने कर लिया। अब इस मामले को ना मैं ही निपटूंगी, समझ आई? अरसलान भाई, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं, मुझे ये कहना है कि मेरे जाने वाली कॉल आई थी, वो कह रहे कि एडी सेंटर पे एक लाश मिली जो लावारिस है, वो बिल्कुल पापा जैसी है। भाई, ये क्या बोल रहा था? मम्मी, 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 फुरकान तुमने मम्मी के सामने क्यों बोला? गलती हो गई। मम्मी 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 संभाले खुद को। मम्मी मम्मी मैं हेडी सेंटर जाता हूँ। रुको फुरकान, मैं साथ चल रहा हूँ। चले चले चले। मम्मी